सेट सेट चलना है ना घूमने घूमने चलना है ना नॉडी। सेट सेट जा, नहीं लेके जाऊंगी, जा नहीं लेके जाऊंगी तुझे। तो अभी बज रहे हैं मॉर्निंग के 6:25 और ये देख लो वहां से घूमने जाने के लिए कैसी कर रहे हैं। चलना है घूमने, देखो घूमने के नाम से कैसे मुंडी हिलाता है नाडू। तू तो सबसे भोला है नाडी। चलना है घूमी घूमी, चलना है चलना है। रुक जा थोड़ी देर में जाते हैं। ओके कहाँ जाना है, चलो चलो। अरे अरे देखो नहीं लेके जाएंगे। नो हाँ हाँ चल 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 चलो 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 नाडू चलो। खुशी तो देखो बड़ा खुश हो रहा है नाडू। अभी जैसे कि क्रिसमस आ रहा है तो उसकी तैयारी देखो कितना मस्त लग रहा है। नॉटी चल यहाँ से, हर जगह अपनी निशानी छोड़ने को देखता है ये बेचारा कुत्ता। देखो उसका एक पैर कैसा एकदम मुड़ा हुआ है। चल चल तू चल, हाँ चल चल। तो ये वही मेट्रो स्टेशन है जहाँ मैं इसको कभी ऐसा खुला छोड़ती नहीं हूँ। आज इसको मैं बहुत दूर तक घुमाऊंगी। चल बेटा चल, बहुत घूमने का इसको ये है ना, आज तो इसको घुमाई देती हूँ। चलो तो मेरे घर के तरफ से ना मुझे मेट्रो स्टेशन बहुत पास पड़ता है, 1 किलोमीटर वगैरह। तो ये देखो न्यू एयरपोर्ट मेट्रो स्टेशन, ये साइड से जाती है गाड़ियाँ, यहाँ से जाते हैं इंसान, लोग जाते हैं पैदल। चल चलो चलो चलो। और नाडी नाडी भी जा रहा है, ऐसा टनल जैसा आएगा, ये देख लो न्यू एयरपोर्ट मेट्रो स्टेशन। इसको पर डराने का मैं ट्राई करती हूँ, लेट्स सी डरता है कि नहीं। कौन है नानी? चल 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 चल। तो मेट्रो आई तो उसकी आवाज से देखो कैसे कर रहा है, उसको लग रहा कोई तो भी आया। कोई नहीं है, चल चल चल। डरपोक कहीं का, मेरे को ना ज्यादा टाइम मिलता नहीं इसको, मतलब ऐसे लॉन्ग वॉक पे लेके जाऊँ। तो आज टाइम मिला है तो मैं सोचिए जिसको घुमाई देती हूँ, कितना घूमेगा ये भी। चल चल रहा है ये तो डर डर के। बेटा जब तक तेरी माँ है ना तेरे को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेरे जैसे नॉडी को कोई कुछ कर नहीं सकता। आगे वही मेट्रो स्टेशन। तो ये जो रुक ना, तो ये जो मेट्रो स्टेशन है कुछ ऐसा दिखता है। चल 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 नॉडी बोल रहा हूँ, कुछ तो प्राइवेसी रखो, मेरा सुसु पट्टी सब करना दिखा रहे हो। नहीं बेटा मैं तो बस ऐसी। यहाँ पे है भैंस का तबेला, मेरी फ्रेंड यही कही बैठी है। हाय सपना, सपना कहा है, ये है ये सपना। वीडियो देखेंगे ना बहुत गाली मारेंगे मेरे को। ये और एक वो ऐसे छुप के देख रहा है जैसे भाई बस अब शिकारी करने वाले दोनों। चल नाडी चल। तो यहाँ पे ना ये तबेले के पास में भी कुत्ता रहता है, पता नहीं अभी वो दिख रहा नहीं है, वरना वो नाडी पे बहुत भोंकता है। नाडी भी दिखना नहीं चाहिए, थैंक गॉड। चल बेटा चल जल्दी भग लेते हैं ऐसे अपन। तो ये यहाँ का रास्ता कुछ ऐसा है। सो हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ और अ वेरी गुड मॉर्निंग। तो काफ़ी टाइम से मेरा ऐसा वीडियोस वगैरह मतलब मुझे भी इतना टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो मैंने सोची आज मैं नॉडी को वॉक करने लेके जा रही थी, मैं उसका वीडियो बना लेती हूँ, उसकी हरकतें वगैरह दिखाती हूँ आपको। तो मेरे वीडियो को लास्ट तक देखो एंड इसको प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। तो
ये रास्ते पे ना मैं नॉडी को वैसे तो कई बार लाई हूँ घुमाने, पर यहाँ पे मैं ऐसे अकेले नहीं आती, दीदी मेरे साथ में ही रहते थे। तो अभी ये टाइम पे तो मेरे को दीदी की काफ़ी याद आ रही है यार। देखो सन भी निकल चुका है और मेरा जो मेरा डांस स्टूडियो ना वो बरसो रे मीघा वाला, वो मैंने ये यहाँ पे शूट करी थी। अभी तो अलग दिख रहा है थोड़ा, बारिश के टाइम पे एकदम ग्रीनरी रहती है ना। तो भाई चल बेटा जल्दी चल चल, तेरे को बहुत घूमना है आज, चल। तो अबे यार, तो दिख रहा है ये मेट्रो स्टेशन और वहाँ से ऐसे घूम घूम के हम यहाँ तक आ गए हैं। और ये जो ट्रैक है ना, ये शायद 1.7 किलोमीटर वगैरह का है। तो अभी बस एंड तक पहुँचना बाकी है। इसका तो वैसे ही मन नहीं भरता इसको कितना भी घुमा लो। आज इसको ऐसा घुमा रही हूँ ना तो अभी ऐसा थक जाएगा ना घर जाके, फिर ये इसका नाश्ता वगैरह करके आराम से सो जाएगा। क्यों बेटा, ए हीरो चल चल जल्दी चल, तेरे को बहुत घूमना है अभी, चल। चलो चलो, यहाँ पे एक कंपनी भी है और ये साइड में भी FSC कंपनी, क्योंकि ये मीहान के साइड में आता है ये। तो वही यहाँ पे ये छोटा सा भगवान जी का मंदिर भी है, पता नहीं किसने कृष्ण जी की मूर्ति ला के रख दी है मंदिर के ऊपर। तो वही देखो गाइस देख लो तो देखो ऐसे मेट्रो जा रही है। अरे यार ये मेरे को शूट ही नहीं करने देता भाई मेरे नॉडी। तो ये जा रही है मेट्रो और ये जा रहा है नाडी। यहाँ से आते आते हम लोग, अभी ये है लास्ट ट्रैक, यहाँ के एकदम आगे तक जाना है हमको। और आप सब लोग नॉडी के लिए ताली बजाओ, क्योंकि ये ऐसा पहला बेल्ट है भाई जो शायद चल गया होगा इसको 7-8 महीने, क्योंकि जो भी इसके पहले बेल्ट लाते थे ना तो वो 1 महीने के अंदर ही ख़त्म कर देता पूरा उसका, मतलब ख़त्म हालत। ऐसे करके तो उसके 10-15 बेल्ट अभी तक, 15 तो हो ही गए होंगे उसके, ये पता नहीं कैसे क्या टिका लिया इसने, लेकिन अब ये भी लेना पड़ेगा। देखो ये है गाड़ी आ रही है वहां से, ठंडी का टाइम है लेकिन ऐसा लग भी नहीं रहा है, विंटर सीजन चल रहा है, क्योंकि अभी पता नहीं क्लाउडी वेदर था, बहुत बादल थे 1-2 दिन से, तो ठंडी बिल्कुल नहीं आ रही है, मतलब ठंडी बिल्कुल भी नहीं पड़ रही है। तो वही चलिए, इतना घूम के इतना लंबा वॉक करके हम यहाँ तक आ गए एंड पॉइंट तक। बैठूंगी यहाँ पे 5 मिनट नॉडी के साथ, फिर चलो भाई घर। ये एयरपोर्ट आता है, ऐसे एयरपोर्ट का ट्रैक है ये वाला जो दिख रहा है ना यहाँ पे ये, और यहाँ पे ऐसा जंगल सा है। या कोई तो भी बजा रहा है सीटी, चल रहा बेटा चल चल चल, गाड़ियाँ भी आ रही है यार वहाँ से, काफ़ी खाली रास्ता है अब नॉडी, और मेरे को ऐसे जल्दी निकलना पड़ेगा। और मेरे फेस पे काफ़ी पिंपल भी दिख रहे होंगे ना, तो ठीक है भाई उसको इग्नोर करना, वो तो नेचुरल है, वो तो सबको ही आते हैं, और मैं तो ध्यान भी नहीं देती हूँ। और वैसे भी मेरे को जो भी, मतलब नेचुरली मेरे को ऐसा नहीं कि भाई अभी वीडियो बनाना है और पिंपल दिख रहे तो उसको हाइड कर लो, ऐसा कुछ नहीं है, सभी को आते हैं भाई, सबकी बॉडी में चेंजेस होते हैं, तो ये नेचुरल है, इसमें कुछ ऐसा छुपाने वाली बात नहीं है। तो ये है अपना नॉडी भाव जो कि काफी थक चुका है, मजा आ गया, और ऐसे हाफ रहा है, इसको भी जाना होगा घर, इसको चाहिए होगा भी पानी। बेटा वो तो तेरे को घर जाके मिलेगा, हीरो साइको। तो दीदी तो ये वीडियो देखेंगे, क्योंकि ये ट्रैक पर मैं कभी अकेले नहीं आती हूँ, मैं हमेशा दीदी के साथ ही आती थी, दीदी मैं और नॉडी, तो हम दोनों को आपकी काफ़ी याद आ रही है। पर ठीक है अभी मैं जाती हूँ ऐसे वापस, आप जब बैंगलोर से आ जाओगे ना तब अपन आएंगे अपने नॉडी को घुमाने, इसको तो कोई दुनिया से मतलब ही नहीं है, तो अपने इसमें रहता है। और मुझे ना आप लोग को एक बात बोलनी थी कि कैसे एक टाइम ऐसा था लॉकडाउन के टाइम पे कि लोगों ने काफ़ी ऐसे डॉग्स वगैरह खरीदे थे, जैसे लैब्राडोर हो गया, जर्मन शेफर्ड हो गया, तो
स्टार्टिंग में तो उनको बहुत अच्छा लगता है कि भाई पप्पी है, क्यूट सा है तो रख लेते हैं। फिर कैसे उनकी हरकतें दिखती है ना, लोगों ने तो छः महीने या एक साल के अंदर में ऐसे अच्छे से पाले और उसके बाद उनको छोड़ दिए ऐसे आवारा। मतलब उनकी कुछ फीलिंग्स नहीं होती है, कुछ डॉग्स की भी फीलिंग होती है, उनको भी टेंशन मतलब डिप्रेशन होता है। तो अगर आप लोग से अगर संभलता होंगे ना, अगर आप लोग कुत्तों का अगर कर सकते हो पूरा तो ही उनको घर पे रखना, वरना ऐसे उनको पहले अच्छे से पाल लेना फिर आधे में छोड़ देना तो ये सही नहीं है, इसमें आपको लगेगा पाप। मतलब ऐसा मुझे लगता है कि किसी के फीलिंग्स का खेलना नहीं चाहिए। डॉग्स भी अपनी फीलिंग को समझते हैं, उनमें भी फीलिंग्स रहती है, तो वही। और आपको कुत्ते खरीदना नहीं चाहिए, खरीदना क्यों भाई, स्ट्रीट डॉग्स इतने क्यूट दिखते। ये भी मुझे लॉकडाउन के टाइम पे मिला था, अभी ये 2 साल का होने पे आएगा, इसका फरवरी में बर्थडे भी है तो मैं सेलिब्रेट करूँगी, मैं उसका भी व्लॉग बनाऊँगी। तो अगर आप लोग से होता होगा तो ही, मतलब ऐसा मैं किसी को बोल रही नहीं हूँ, बस मैं ऐसे बता रही हूँ कि अगर आप लोग पूरा कर सकते होंगे तो ही कुत्ता रखो, वरना मत रखो। वरना तो ऐसे कितने ब्रीड के कुत्ते भी रस्ते में दिखते, फिर वही वीडियोज़ में भी दिखता है कि ऐसे शेल्टर वाले उनको रखते हैं वगैरह। तो एट दी एंड मुझे यही बोलना था कि ध्यान रखो, आपके पास अगर पेट्स होंगे तो उनको ऐसे छोड़ मत देना बीच में, अगर आप उनका स्टार्टिंग से कर रहे हो तो। कभी कभी ऐसे मतलब ऐसा होता है ना कि जब कुत्ते की एज भी हो जाती है, डॉग्स की एज हो जाती है, तो लोग उनको छोड़ देते, मतलब ऐसे छोड़ देते कि अभी बुढ़ा हो चुका है, अभी कोई काम का नहीं है। तो ऐसा नहीं होता है भाई, उनको काफ़ी हर्ट होता है। और भाई, और आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं है डॉग्स वगैरह को, स्ट्रीट डॉग इतने क्यूट दिखते हैं। कोई बोलेगा कि स्ट्रीट डॉग है, मुझे तो काफ़ी लोग मेरे काफ़ी फ्रेंड्स भी बोलते हैं कि ये स्ट्रीट डॉग दिखता ही नहीं है। भाई मैंने वैसे मेंटेन करी उसको, कुछ ज़्यादा लगता नहीं इनको, बस टाइम पे खाना दो, थोड़ा बहुत शैम्पू वगैरह का खर्च आता है और वैक्सीनेशन का, उसके अलावा क्या, इनको टाइम टू टाइम नहलाओ, खाना दो, उसी की वजह से रहते हैं मेंटेन। देखो अभी ठंडी का टाइम है तो इसका हेयर फॉल हो रहा था, तो वही थोड़ा सा हेयर फॉल हो रहा था, इसका ऐसे डैंड्रफ जैसा दिख रहा था, उसके लिए मैं इसको हॉस्पिटल लेके गई थी, वरना इसको इतना कुछ ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठंडी में तो सभी डॉग्स का हेयर फॉल होता ही है वैसे भी। अभी हम जा रहे हैं वापस, और अभी भी मेट्रो भी जा रही है वापस, अभी ये जा रही है खापरी के तरफ। देखो ऐसे प्लेन भी जा रहा है, क्योंकि मेरे घर के पास से एयरपोर्ट सिर्फ 3 किलोमीटर है, तो यहाँ पे तो ऐसे प्लेन वगैरह जाते रहते, वो तो नॉर्मली बात है। अगर ऐसे कोई दूसरे लोग देखते ना तो बोलते बाप रे कितना बड़ा दिख रहा है प्लेन वगैरह, ये तो मेरे लिए नॉर्मल है अब। ये ना शायद बबूल का पेड़ है, इसमें कांटे भी है ना, तो वही। देखो गाड़ी जा रही, मालगाड़ी जा रही, मालगाड़ी। देखो ऐसे टायर्स दिख रहे हैं ना ऐसे यहाँ पे, ये और काफी ऐसे छोटे छोटे टायर्स है, यहाँ पे गाय भैंस को बांधते, गाय भैंस तो नहीं भाई, मैंने नॉडी को बांधी, क्योंकि मुझे ना यहाँ पे छोटे छोटे क्या दिख रहे हैं, देखो देखो कितने क्यूट, ये कौन जाके देख रहा है, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो कैसे जाके देख रही है, कितने क्यूट है यार, प्यार कितने क्यूट है यार, ये लोग कितने क्यूट क्यूट गाय है छोटी छोटी। बहुत क्यूट है यार ये वाली, काफी क्यूट है ये वाली, कितनी क्यूट है, इसके आईज देखो कितने शाइन कर रही है। क्या हो गया नॉडी, नॉडी क्या हो गया, क्या हो गया, बाय नॉडी बाय, कैसी कर रहा है ये, पता नहीं इसको क्या लग रहा है, क्या नहीं, कैसी कर रहा है ये। मैं इसको ऐसे हाथ लगाने जाऊँ तो ये डर रही है यार, आजा 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 आजा, कितनी क्यूट है ये, काफी क्यूट है, काफी क्यूट है। जे ना वो वाला गाना याद आ रहा है, वो है ना, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, कितनी क्यूट है यार, छोटे छोटे इनके फेसेस,
ये तो मेरा जीना आराम करेगा, क्यों भौंक रहा है इतना पता नहीं। अभी मैं इसके पास जाऊंगी, कैसा करेगा ये, इसको लग रहा क्या, किसको मैं करके देखो देखो क्या हो गया। नानी नानी क्या हो गया? हाँ क्या हो गया, क्या स्मेल कर रहा है भाई, कोई कुत्ते को थोड़ी लाड़ करके आई हूँ। यार आपके डॉग्स भी ऐसे करते होंगे ना कि अपन भाई की बाहर में कोई और डॉग को ऐसे प्यार कर लो थोड़ा सा, तो ये आके पूरा स्कैन करता है, स्कैनिंग पार्ट चल रहा है। गाय थी, तू तो जानता नहीं उसको। देखो आ गए हम मेट्रो स्टेशन के पास वापस, बहुत लेट हो गया यार, 8:30 होने पे आएंगे अभी।